हे ब्यूटिफुल पीपल, आई एम बैक। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है आलोक भारतीय, डिजिटल मार्केटिंग कोच एंड कंसल्टेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी के अभी कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, सेल्स टिप्स, बिजनेस टिप्स और मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे कूट कूट के मिलने वाला है। और ये जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है इसको दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप थंबनेल पे देख चुके हो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन स्किल दैट विल हेल्प यू टू टेक क्वांटम लीप इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अगर ऑलरेडी आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आप ब्लॉगर हो तो आपको ये पता ही होगा, अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो तो ये स्किल के बारे स्किल का जो इंपॉर्टेंस है आपको पता होगा। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, जॉब कर रहे हो, एक दो साल तीन साल से आप अगर जॉब कर रहे हो और यू आर गोइंग टू प्लान अ डिजिटल मार्केटिंग करियर, दिस वीडियो इज फॉर यू। व्हाट इज दैट वन स्किल? नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग, यू नो व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग में हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो ट्रेडिशनल हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, एट द एंड ऑफ द डे वी नीड आर प्रॉस्पेक्ट्स, आर विजिटर्स और रीडर्स टू टेक एन एक्शन। हम लोग का प्राइमरी गोल ये है कि एनीबडी हु इज़ कंज्यूमिंग आर मार्केटिंग मैसेज शुड टेक एन एक्शन। दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी डू इन मार्केटिंग मस्ट हैव एन एक्शनेबल आउटकम। तो ये एक्शनेबल आउटकम प्रोड्यूस कैसे करेंगे? When our marketing message is super solid, strong, that resonates to the needs of the reader or the prospect. And what is that skill called as? This skill is called as copywriting. Copywriting is very important. Dekho bhai, let me tell you, content is the king कहा जाता है, ठीक है? Blog में content है, आपके वेब पेज पे कंटेंट है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कंटेंट है, एड कॉपीज के अंदर कंटेंट है, हर जगह कंटेंट ही है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम क्या करते थे? वी यूज टू मीट पीपल एंड वर्बली वी यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, वर्बली वी यूज टू नो प्रेजेंट आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड ऑफरिंग टू आर प्रॉस्पेक्ट्स। बट इन द ऑनलाइन वर्ल्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट विल रिप्रेजेंट आवर सेल्फ इज द कंटेंट। तो कंटेंट के अंदर ये कॉपी राइटिंग किस खेत की मूली है, ये भाई क्या है देखते हैं। कॉपी राइटिंग इज नथिंग बट अ सेल्स स्पीच इन टेक्स्ट फॉर्मेट, इज अ सेल्स स्पीच इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। आप रास्ते पे देखते हो ना यार, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, ठीक है, रास्ते के साइड बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे रहते हैं, वहाँ पे कंटेंट क्या रहता है? दो लाइन या तीन लाइन। एंड दोज टू और थ्री लाइन्स आर सो कंपेलिंग एनफ दैट इट इंस्पायर्स और मोटिवेट्स अस टू गिव एन इंक्वायरी टू द कंपनी। सो copywriting skill is very much important. Copywriting is something that you have to ensure that jo bhi aap content likh rahe ho, it can be a social media post, a copy can be an email copy that you are writing, a copy can be a subject line of your email, it can be the snippet that you post regularly on social media, it can be your pay per click campaign ka ad copy, ye ho sakta hai aapka landing page content, it can be a blog call to action also. To aapko ek cheez dhyan rakhna hai bhai, you know, something that is directly related to conversion, a content that directly results a conversion, that conversion can be anything, you know, conversion for me in this YouTube channel is a subscriber. अगर आप subscribe करो तो आप मेरे लिए conversion हो भाई। अगर आप e-commerce store के अंदर एक portal के अंदर एक offer देख रहे हो, अगर purchase कर रहे हो, that purchase is a conversion. So conversions भी अलग अलग shapes, patterns पे digital marketing के अंदर define किए गए हैं, जैसे micro conversion, macro conversions. तो any content that creates a conversion is called as copywriting. Copywriting is, let me tell you, very simple. आपको copywriting के बारे में अगर समझना है, सबसे पहले आपको अपने customers के दर्द को समझना पड़ेगा. What is that one thing that will motivate my customer? What is that one thing? Tip and the most golden tip, आप अपने सारे satisfied customers को call लगाओ, उनके साथ connect बनाओ और उनसे बात करो कि sir, I need at least 15 to 20 minutes of your valuable time. As per your availability, उनसे बात करें, उनकी उनका अपॉइंटमेंट लें, उनसे पूछें कि सर, मेरे हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करने से पहले, मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करने से पहले आपके लाइफ में ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे जिसको मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज ने सक्सेसफुली टैकल किया और रिजॉल्व किया? एनीथिंग दैट दे रिप्लाई, यूज़ दैट इन योर कॉपी,
Got my point. So copywriting is going to be the one of the most booming field, no matter yaar digital marketing andar kitna setting aapko pata hai, kitna tool pata hai aapko. WordPress bhayankar, aap site WordPress pe setup kar sakte ho. Aapko Facebook ads pe sara setting pata hai, aapko Google ads ke andar sare ads ke sare setting interface sab kuch pata hai. Fir bhi let me tell you, ye sare settings ko successfully leverage karne ke liye aapko chahiye a successful copy. So those, agar if you want to know more about copywriting and if you want to learn the art of copywriting, then comment below, I will help you out. If you want to know more about copywriting, content writing and digital marketing and its strategy, then please like, share and comment whatever you want from me. So this is Alok Bhatia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.